एसएचओ यहां पर खड़े हैं, कम से कम 20-20 जो जवान जो लाठी पे डंडे लेकर शील्ड लेकर यहां पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल। और एक बड़ा सवाल यह है कि शुरुआत इस तरीके के मामलों की शिमला से हुई थी और फिर धीरे धीरे हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई मामले सामने आए, तो ये जो शिमला से चिंगारी उठी ये कैसे पूरे हिमाचल में फैल गई, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं देखिए, ये एकदम नहीं फैली है, ये आप अगर देखोगे ये गुस्सा बड़ा लंबा है और बड़े लंबे अरसे से था। सिर्फ बात में हुई कि शिमला की अगर हम बात करें, शिमला में बात जो शुरू हुई थी वो एक हिंदू समुदाय के लड़के की, जो मारपीट का मामला सामने आया था और मुस्लिम लड़के जो थे वो मस्जिद में जाकर छुप गए थे, वहां से ये स्थितियां बिगड़ी। और उसके बाद हर जगह से हमने, हर क्षेत्र से जो है, छोटे छोटे कस्बों से हमने ये देखा कि लोगों में रोष भरा हुआ था, परंतु उसे एक लास्ट फील की जरूरत थी जो यहाँ शिमला से होती थी। और आज भी जो अगर हम देख रहे हैं 12 के 12 जिलों में ऐसी स्थितियां हैं और हर जगह से इस तरह का रोष प्रदर्शन जो है वो दिख रहा है। ये देखिए कितना भीड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन के बिल्कुल अधीक्षक के जो दफ्तर है उसके बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर मैं आपको ये खड़ा हूँ, और यहाँ पर जो लोगों का जमावड़ा जो है अपने झंडों के साथ में, भारत के झंडों के साथ में यहाँ खड़े हैं। हालांकि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें बीजेपी के लोग भी हैं, हिंदू समुदाय के भी हैं, क्षेत्रीय दल के लोग भी हैं और क्षेत्रीय समिति जो यहाँ की अभी जो आज देवभूमि संघर्ष समिति है उसके लोग भी यहाँ मौजूद हैं। जी इसके अलावा अनुराग, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा, शुरुआत में सुक्खू सरकार के मंत्री ने पूरा मामला सदन में उठाया और उसके बाद जिस तरीके से सियासी खींचातानी इस पूरे मामले में होती हुई नजर आई, ऐसे में इतना बड़ा प्रदर्शन अगर राजधानी शिमला और प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, तो राज्य सरकार का क्या स्टैंड है इन तमाम मुद्दों को लेकर, जिनको लेकर ये तमाम आज जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं? देखिए आपने कल भी देखा होगा कि सौहार्द यात्रा निकाली गई थी। गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि जो भी अवैध निर्माण होगा उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, कानून की प्रक्रिया के हिसाब से चलेंगे, किसी भी तरह की किसी के दबाव में आकर या इस तरह के नारे लगाने से इसका जो सॉल्व है वो नहीं होगा, इससे सांप्रदायिकता बढ़ेगी। अगर आपने देखा होगा पिछले कल जो है ये बात अभी संभलने वाली नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि कांगड़ा में भी जो है आज पिछले जो दिन है वहां पर शिवलिंग को तोड़ा गया है, तो उस तरह से कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां हैं कि हिमाचल में सांप्रदायिकता के जो दंगे हैं वो फैलने की आशंका है, जिसकी वजह से ये दोनों पक्ष जो है वो अब शुरू हो गए हैं। अगर हम बात करें पिछले कल अगर हमने कमल गौतम से बात की थी, कमल गौतम ने भी ये कहा था, कुछ ऐसे बाहर से आए हुए नेता हैं जो AIN के लोग हैं, कुछ और दूसरे लोग संगठन के लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से रहते हैं, वो लोग आकर यहाँ पर लोगों को, अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये कह रहे हैं कि तुम काम करिए, कोई बात नहीं, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो इस तरह की अगर स्थितियां बनेंगी तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे बहुत ज्यादा भड़केंगे। अगर जो हिंदू संगठनों की बात करें तो हिंदू संगठन ये कहते हैं कि हमने किसी को भी मारपीट नहीं की है, कहीं से अगर विरोध करना या उसका प्रदर्शन करना भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गलत है तो ये आदमी का अधिकार है, हर जनमानस का अधिकार है, भारत के हर नागरिक का अधिकार है, तो उसके लिए अगर विरोध जताने के लिए भी रोका जाएगा तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। फिर भी अभी जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं, अभी आपसे स्थितियां देख रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां हैं, यहाँ पर लोग जो है वो अपने नारे लगा रहे हैं अपने साथ में और यहाँ पर जो पूरा जमावड़ा है वो धीरे धीरे और इकट्ठा होता जा रहा है, अभी देखते हैं। वैसे हालांकि ये कहा गया है कि आज जो है वो शांति रूप से जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से मार्च निकाला जाएगा और मार्च जो है वो वापिस यहीं पे आकर SP ऑफिस के बाहर जो है वो घेराव करेगा। जी इसके अलावा जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन नजर आ रहा है, एक और अहम सवाल है कि इन दिनों हिमाचल की सियासत में नेम प्लेट का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, क्या ये जो तमाम प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं इस मुद्दे को लेकर भी इनकी कोई मांग है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इनकी ये बहुत 4-5 मांगे जो है वो, एक पहली मांग है कि किसी भी तरह से जितने भी अवैध कब्जे हैं उनको दूर किया जाए, दूसरी बात जो है उसमें जितने भी गैर मुस्लिम जो बाहर, जो मुस्लिम जो बाहर से आए हुए हैं उनका पंजीकरण हो, तीसरा जो ये इस तरह से अभी जो प्रदर्शन जो आप देख रहे हो वो इसलिए है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हर आदमी जो बाहर से आने वाला हो अगर पंजीकृत नहीं होगा तो, आपने कई बार ऐसे सोशल मीडिया में देखा होगा कि विशेष समुदाय के द्वारा कभी सब्जी में थूक लगा दिया जाता है, कभी जो यूरिन करके गोलगप्पों के पानी में डाल दिया जाता है, इस तरह की समस्याएं जो है वो हिंदू समुदाय बड़े लंबे अरसे से फील कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे हिंदू जो थे उनमें ये रोष था, जिसकी वजह से ये आक्रोशित होकर आज जो ये तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं ये उसी का ही एक रूप है जो आज आपको आम जनता के रूप, इस रोष के प्रदर्शन के रूप में दिख रहा है। जी इसके अलावा अनुराग, एक बड़ा सवाल जो अब हिमाचल में उठता हुआ नजर आ रहा है वो ये है कि इन तमाम प्रदर्शनकारियों का और तमाम संगठन के लोगों का जो सबसे बड़ा आरोप है कि हिमाचल की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश जो है वो सुनियोजित तरीके से की जा रही है।
इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और राज्य सरकार का इस मामले को लेकर क्या कुछ बयान अब तक सामने आया है? क्योंकि ये एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है जो हमने पिछले प्रदर्शन के दौरान भी कई लोगों के मुंह से सुना था। देखिए, बात यह है कि 35 करोड़ भारत में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनको निकाल दिया जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। परंतु जो अराजक तत्व हैं और जो यहाँ पर दंगे फसाद कर रहे हैं या लड़ाई झगड़ा करके मार कर भाग जाते हैं या थूक लगाते हैं या कुछ और तरीके की गंदी अभद्र जो काम है वो करते हैं, उनके विरोध में ये लोग हैं। और उनका ये कहना है कि किसी भी तरह से अगर इस तरह के जो लोग हैं उनको अगर पंजीकृत नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी कोई किसी का मर्डर करके, किसी की चोरी करके, किसी को डाका डालकर कोई भी जा सकता है और उसका अगर पंजीकृत नहीं होता तो कैसे चलेगा। इसलिए हिमाचल में सभी लोग जो है वो पूरी तरह से आक्रोशित है, हिंदू समुदाय इसीलिए बार बार पड़े हैं जी। और जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार जारी है राज्य में, लगातार हमने देखा किस तरीके से बीते दिनों ये पूरा मामला जो है वो गर्माता हुआ नजर आया। अलग अलग जिलों में किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, वहां पर क्या स्थिति है, इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास अनुराग? देखिए, बिल्कुल हर जगह में ये केवल ये जो देवभूमि जो यहाँ का क्षेत्रीय दल जो यहाँ का है संगठित यहाँ पे हुआ है, ऐसा ही अलग अलग छोटे छोटे मंचों पर छोटे छोटे क्षेत्रों में लोग सब जैसे भूमित है वो कुनिहार में कर रहे हैं, कमल गौतम है वो हमीरपुर में कर रहे हैं, ऊना में अलग तरह से हो रहा है, इसी तरह से पूरे हिमाचल के पूरे 12 के 12 जिलों में जो है इस तरह के रोष प्रदर्शन जो है वो आज निकाले जा रहे हैं। परंतु अभी जो ये कह रहे हैं कि अभी बड़ा शांतिपूर्ण मार्च है, ये स्थिति तब बिगड़ेगी जब 5 तारीख आएगी। 5 तारीख को अगर कोई ऐसा हल नहीं निकाला गया जिसका परमानेंट सोल्यूशन, जिसकी बात ये हिंदू समुदाय के लोग कर रहे हैं, तो समस्या जो है वो ज्यादा गंभीर हो सकती है जी। बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। एक और अहम सवाल है, जिस तरीके से राज्य में इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हुई, बीजेपी ने सुक्खू सरकार पर बड़े और संगीन आरोप लगाए, लेकिन सुक्खू सरकार के कई मंत्री जो है वो इन तमाम मुद्दों को लेकर हिमाचल की इन जो तमाम लोग हैं इनके साथ खड़े नजर आते हैं, चाहे वो नेम प्लेट का पूरा मामला हो जिसमें विक्रमादित्य सिंह फिर से कह रहे हैं कि जो फैसला है वो सही तरीके से लिया जाएगा लेकिन लिया जरूर जाएगा, या फिर जो पूरा मस्जिद वाला विवाद था उसकी शुरुआत भी सुक्खू सरकार के मंत्री ने मामले को सदन में उठाकर किया था, तो क्या कांग्रेस इन मसलों में दो राय में बटी हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल, आपने कल संजय अवस्थी की अगर बयान सुना होगा तो संजय अवस्थी ने भी ये कहा था कि जो ये राय है जो विक्रमादित्य सिंह ने दी है वो उनकी अपनी निजी राय हो सकती है, परंतु पार्टी के तौर पर अगर बोले तो वो ये कहते हैं कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। अभी संघर्ष कमेटी जो है हिमाचल में, जो संयुक्त कमेटी सर्वदलीय कमेटी एक बनाई गई है जो मिल बैठकर बात करेगी और चर्चा करके एक निदान निकाला जाएगा जिसमें ये कहा जा रहा है कि किसी तरह से इन सब चीजों को सुलझाया जा सके। परंतु जब हम बात करते हैं यहाँ के जितना हिंदू आकर्षित है, जितना आक्रोशित है, वो कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि परमानेंट सॉल्यूशन निकले और आज ही निकले जी। बिल्कुल, तमाम लोग भी आपके पीछे नजर आ रहे हैं प्रदर्शन करते हुए, बातचीत करने की कोशिश कीजिए अनुराग कुछ लोगों से, और क्या कुछ लगातार वो अपनी मांगों को लेकर करते हुए आ रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा, आप किस तरह का जो ये आपकी डिमांड्स है, क्या डिमांड्स है, किस डिमांड से लेकर आप यहाँ पर आज मौजूद है? आवाज नहीं आ रही है अनुराग, आवाज नहीं आ रही है। तमाम तस्वीरें तो लगातार आप दिखा रहे हैं, एक बार आप तस्वीरों को दिखाइए अनुराग, तस्वीरों को दिखाइए किस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ किस तरह की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो यहाँ पर आक्रोशित हैं और कितना गुस्सा जो है लोगों में भरा पड़ा है। तो ये तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी अनुराग ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी तमाम मांगों को लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सामने ज्ञापन देने का इनका कार्यक्रम है। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर ये प्रदर्शन करते तमाम जो हिंदुवादी संगठन है उनके लोग हैं। अनुराग, आवाज आ रही है अब तक? जी, अनुराग जी, आ रही है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कौन कर रहा है? इतनी बड़ी संख्या में लोग जब जुट रहे हैं तो प्रदर्शन का नेतृत्व कौन कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, अगर हम इस आज के यहाँ के सिर्फ शिमला की बात करें तो शिमला में जो है वो देवभूमि संघर्ष समिति जो है वो यहाँ पर आज इसका जो है वो पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ है जिन्होंने। और परंतु ऐसा नहीं है कि केवल यही हो रहा है, पूरे हिमाचल में
अलग अलग दलों के द्वारा ये जो मार्च है या इस तरह के आह्वान है उन पर लोग यहाँ पर अग्रसित हैं। परंतु मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें बहुत से ऐसे हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हिंदू संगठनों के लोग हैं, कुछ और दूसरे जो नॉर्मल आम आदमी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो तमाम लोगों का ये प्रदर्शन जो है वो बता रहे अनुराग और तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। अनुराग, अब अल्टीमेटम दिया गया है, ऐसे में क्या कोई कमेटी बनाई गई है जो इन तमाम लोगों से बातचीत करेगी जो अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, आखिर अल्टीमेटम से पहले इस मुद्दे को लेकर, इनकी मांगों को लेकर राज्य सरकार क्या कुछ सोच रही है? देखिए, राज्य सरकार को भी ये समस्या समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन जो है वो और जो लोगों का गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एक बैठक की गई थी, सर्वदलीय बैठक थी, जिसमें एक कमेटी का निर्माण किया गया, जिसमें जो जिसके जो चेयरमैन है वो हर्षवर्धन चौहान है, विक्रमादित्य उनके साथ है, अनिरुद्ध सिंह उनके साथ है, अगर हम बीजेपी की तरफ से बात करें तो सतपाल सत्ती उनके साथ है, और जो दूसरे हैं और लोग भी बीजेपी के शामिल हैं, जिसमें जो है नैना देवी के विधायक जो है रणदीप शर्मा वो भी उन्हें उस कमेटी में शामिल है। तो इस तरह से बहुत लोग जो है उनको जोड़कर एक कमेटी बनाई गई है और आम जनता की भावनाओं को ध्यान रखते हुए अभी निर्णय लिए जाएंगे। हालांकि ये कहना बड़ा जल्दी होगा कि अभी 5 तारीख को इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, परंतु अभी स्थिति ऐसी है कि जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, यहाँ पर जितना भी आप रोष देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर 5 तारीख तक ये अगर इस तरह का परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला तो कहीं ना कहीं रोष जो है और बढ़ सकता है और वो जेल भरो आंदोलन के तौर पर ये आम जनता जो है वो जेलों के तरफ जो है वो जाने की कोशिश करेगी। हिमाचल में सद्भावना मार्च भी निकाला गया, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है अनुराग? देखिए, यही बात, अब बात ये आई कि हिंदू संगठन यही कह रहे थे कि लगातार ये बात हो रही थी कि सद्भावना मार्च की जो अभी आवश्यकता पड़ी है वो इनको अभी एकदम ऐसी क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि अभी तो किसी भी तरह को कोई ऐसा, सिर्फ हमने विरोध किया है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई किसी की मार कुटाई नहीं, फिर क्या कारण है कि इनको सद्भावना निकालनी पड़ी? हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि जब चंबा में निशंस हत्या की गई थी तब तो जो था वो कोई इस तरह की सद्भावना रैली नहीं निकाली गई, तब किसी भी तरह का ये जो था रोष अपना किसी तरह से इन लोगों ने जो अब कांग्रेस के कुछ लोग हैं, कुछ उसमें सीपीआई के लोग हैं, कुछ सीपीआईएम के लोग हैं, कुछ और मुस्लिम समुदाय के लोग थे जिन्होंने कल रैली निकाली थी। परंतु आपने देखा होगा पिछले कल जो है वो एक शिवलिंग की भी जो है वो तोड़ा गया है, कांगड़ा जिला की ये बात है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं स्थितियां परिवर्तित हो रही है और अब जो है वो दोनों तरफ से रिटेलिएशन जो है वो देखने को मिल रही है, और जिस तरह से हिंदू समुदाय जो अभी हम देख रहे हैं वो बहुत उग्र हैं और कहीं ना कहीं ये स्थितियां जो है और जो है बड़ी तस्वीर के रूप में सामने आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, विस्तार से तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि अनुराग ने जानकारी दी, शिमला में सांप्रदायिक तनाव के बीच सद्भावना मार्च निकाला गया भाईचारा का संदेश देने के लिए।